फाउंडेशन ऑलरेडी पूरी इंपोर्टेंस के नाल पूरी अपने सोच है कि घट्टो घट्ट बराबरता जिहड़ी आ उहदी गल हैगी आ। मैं कविता लिया सीगा, दो तीन कविता लिया सी, फिर मैं सविती भाई फूले क्रांति ज्योति सविती भाई फूले उन्हां बारे ही गल करांगा। इस तों पहलां मैं लड़कियों बारे या औरतों बारे भी कुछ लिखा सी, दो तीन चार लाइना उन्होंने बारे मैं बोलना चाहता। बाबा साहब का एक कथन है, मेन असी कोलों वैसे कुछ नहीं, मैं तो ना कोई कहन जोगा ना करन जोगा, बाबा साहब के विचारों ही रखता रहना मैं किसी ना किसी रूप के। बाबा साहब का ही कथन है, किसी भी समुदाय की उन्नति औरत तो जानी जांदी है, औरत ते औरत दे दर्जे तो सहजल कोई कौम पछाणी जांदी है। ती पुत विच अंतर कोई ना, साडी ही सोच निकम्मी है, ए ता मूर्ख ही कहंदे ने साडे घर धी क्यों जम्मी है। सहजल धीआं ते पुत्रां नूं कुदरत ने को मन्या है, औलाद हुंदी औलाद लोको, चाहे पुत्र है चाहे कन्या है। तो ये चंद लाइना सीधिया, इसको अलावा और दो लाइना ने, मुढ़ कदीमो देश दी नारी इना गई सताई, धर्म ग्रंथ अंदर उसनू लिखिया गया बुराई। बाबा साहब ने ओदे हक विच ऐसी कलम चलाई, सहजल देश दे लोका पीएम राष्ट्रपति बनाई। ए ध्यान देना दो लाइना, मानसिक गुलामी दा सिखर हुंदा, मानसिक
गुलामी का शिखर हुंदा जदों अंदरा वड्डियां जांदियां ने बलात्कारी बचाउण दे लई सजर जदों रैलियां कढ़ियां जांदियां ने। क्रांति ज्योति माता सुविधी राय फुले बारे कविता कह रहा पहला भी शायद उन्होंने प्री निर्माण दिन ते मैं बोली सी तो एक बार फिर सवित्री बाई फूले मां ऐसी जिस मान बधाया औरत दा बिन विद्या को कहने राशी उस रोशनाया औरत दा भारत दी पहली टीचर सी जिस ना चमकाया औरत दा एक औरत शुद्र होके भी बन गई सरमाया औरत दा। लाइन जिहड़ियां बोलन लगा अपना फूले जी ने खुद लिखिया महात्मा ज्योतिराव फूले ने मैं जीवन विच जो कर सकिया हकदार सवित्री फूले है जिनू हाथ विच लैके मैं लड़िया वो हथियार सवित्री फूले है। देखो खुद उनके हस्बैंड लिख रहे हैं सवित्री फूले बारे इहदा मतलब सवित्री राय फूले नूं अपने आप नालों स्ट्रोंगर और अगे समझदे मनदे लिखिया मैं जीवन विच जो कर सकिया हकदार सवित्री फूले है जिनू हथ विच लैके लड़िया वो हथियार सवित्री फूले है। दुख सुख दे विच अडोल रही दीवार सवित्री फूले है जो मनुवाद नू भस्म करे अंगियार सवित्री फूले है। बच्चियां विधवावां दे आश्रम ओ चंगी तरह चलाउंदी रही हैजे दे मारे लोकां नू चुप सीने दे नाल लोदी रही। जीवन दे मतिहान अंदर पहले नंबर ते आउंदी रही टुंडी लाट दी नहीं परवाह कीती ओ नवियां पैड़ा पौंदी रही। विधवा दा बच्चा गोद लिया विधवा दा बच्चा गोद लिया ना कौम देखी ना जात देखी ना देखिया इहदा बाप केड़ा ना मां दी ही औकात देखी। सवित्री बाई दे कारण ही दुनिया ने करामात देखी अज औरत सिख्या दिंदी है जिस कलम ना कदे दवात देखी। साथण महात्मा फूले दी पत्नी दे फर्ज निभा के गई फूले दे बराबर डटी रही फूले दा मान बता के गई। औरत होके भी बंदियां तो अपना लोहा मनवा के गई घर छड़ना पिया ता छड़ दिता ओ लखां घर बसा के गई। क्रांति दी जोत सवित्री ने सारे ही बंधन तोड़ दिते ना जात वंश ना कर्म कांड सारे धर्म ग्रंथ झंझोड़ दिते। जग जननी नू जग वालियां ने क्यों सदमे लख करोड़ दिते
सहजल इतिहास की पुस्तक विच प्रसंग अनोखे जोड़ दिते। सहजल इतिहास की पुस्तक विच प्रसंग अनोखे जोड़ दिते। अपनी कविता दे राही उन्होंने द्वारा किए हुए कम्मा की व्याख्या जी है वह बहुत बेखूबी के नाल श्री सोहन सहजल जी ने आप जी के समक्ष प्रस्तुत की। हूँ मैं बेनती करता कि डॉक्टर तीर्थ बाला जी ने कि वो स्टेज पर आने अपने विचार साढ़े साझे कर। डॉक्टर तीर्थ बाला जी डल्लेवाल की धरती से अंबेडकर स्कूल ऑफ थॉट जो कि प्रबुद्ध भारत फाउंडेशन वालों चलाया जा रहा उन्होंने वालों ज ये जो समागम कराया जा रहा जनवरी के जन्मे साढ़े बहुत जन नायक नायिकावान और जोड़ा साढ़ा शौर्य दिवस होंगे हैगा 1 जनवरी 1818 का जो इतिहास है साडा गौरवमय इतिहास उसको समर्पित ये जो समागम है ये पहुंचे सारे ही साथियों जय भीम जय भारत नमो बुधाए जय संविधान। जिमें कि साडे रिस्पेक्टेड सोहन सहजल जी ने दसिया और जिमें जिमें आप मिशन की मूवमेंट जा रहे हैं तो आपको पता चल रहा कि जेडे साडे दिवस ने बहुत खुशी की गल भी है कि साडे कैलेंडर बनने शुरू हो गए हैं और जेडे साडे महानायक होए ने बहुजन समाज के जिन्होंने सानू इंसाना की जिंदगी बख्शी क्योंकि पहला जिमें आप जानते हाँ कि सानू जानवर तो भी बदतर जिंदगी जीवन लिए मजबूर किया गया सी पर साढ़े जो बहुजन नायक होए ने उन्हों का जोड़ा जन्म दिवस है वो 1 जनवरी तो ही शुरू हो जाते हैं वो जिमें 1 जनवरी शौर्य दिवस असं मनाते हैं उस तो बाद 3 जनवरी क्रांति की ज्योत सवित्री बाई फूले जी का जन्म दिवस आता है और फिर 9 जनवरी पहली जो मुस्लिम महिला टीचर हुई है फातिमा शेख बीबी फातिमा शेख जी का जन्मदिन आता और कल जिमें सर ने दसिया कि बाबू मंगूराम मुंगो वाले जी का भी जन्म दिवस है और ये धियां की जो लोहड़ी जो ये बहुत अच्छा हैगा कि भ्रूण हत्या रोकण के लिए जो धियां की लोहड़ी की जी एक लड़ी चली हैगी सारे दिवस इस जनवरी महीने आते हैं और बहुत खुशी है कि प्रबुद्ध भारत फाउंडेशन वालों हमेशा इन दिवस में समर्पित इस तरह के प्रोग्राम किए जाते हैं। एक बार फिर मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी प्रबुद्ध भारत फाउंडेशन की समुची टीम का कि वह इस तरह के उपराले करते हैं। सो जे असी अच्छ गल करिए माता सावित्री बाई फूले जी की वो क्रांति की ज्योत जिमें उन्होंने कहते हैं पहली महिला अध्यापक पर मैं कहूँगी कि सिर्फ अध्यापक ही नहीं वो तो जिमें सर ने भी जिक्र किया कि वो तो एक ऐसा हथियार सन एड्डी शक्ति सी कि वो एक टीचर ना होकर उन्होंने उन्होंने प्रतिभा इन ज़्यादा सन कि उन्होंने उस समय जो एक औरत नूं घरों बाहर निकलन तक का भी अधिकार नहीं सी पढ़ना तो बहुत दूर की गल है उस समय उन्होंने मनोवादी ताकत नाल लोहा लिया और वो अपने मिशन विच बखूबी कामयाब हुई। उन्होंने जो भी उन्होंने संघर्ष है सानू उहदे बारे वध-वध जानना चाहिए और उन्होंने सीध लैके जिहड़ी साडी अपनी रिसपोंसिबिलिटी बनती हैगी जिवें असीं हुण पढ़ लिख गए हाँ संविधान की ताकत दे नाल असीं अपने पैरां ते खड़े हाँ बहुत अच्छा जीवन बतीत कर रहे हैं सो उन्होंने सानू सीध लैनी चाहिए है उन्होंने जिहड़ा संघर्ष है वह प्रेरणा स्रोत है। बाकी अफसोस की गल यह है कि 200 साल होने वाले उन्होंने जन्म और फिर भी उन्होंने उन्होंने बनता माण सत्कार नहीं मिले। ईवन सानू भी जे मैं अपनी गल करा तो जो असं मिशन च आए हाँ फिर पता चलिया कि माता सावित्री बाई फूले जी साडे महिलावां दे असल नायक ने। सो सानू वध तो वध ये जिहड़ा उन्हां दा जीवन संघर्ष उहनूं पढ़ के उहदा जिहड़ा विचार प्रसार हैगा वह जरूर करना चाहिए। तो जिस तरह अज असीं गल भी कर रहे सी कि किवें ये जिहड़ी कमी हैगी है असी क्यों साडे बहुजन नायका ये तो जरूर है कि उन्होंने बनता माण सत्कार मनोवादी अवस्था ना मिलिया तो ना मिलेगा सो ड्यूटी साड़ी बन जाती है असी किवें उन्हों का जोड़ा संघर्ष है जो उन्होंने सपना से असी उन्होंने किवें पूरा करना ये सानू एकजुट होना पेगा जिहड़ियां साड़ियां आपसी प्रॉब्लम वो दूर करनियां पैनियां जिहड़ी कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। जो उन्होंने असी संघर्ष देखते हैं तो उन्होंने जी सोच है उस पता चलता कि वह बहुत एडवांस सोचते सन जिहड़ी इंग्लिश लैंग्वेज आ वह उन्हां दी कवितावां पढ़दिआं ते पता चलता कि वह इंग्लिश लैंग्वेज नूं ही देवी मानदे सन कि इंग्लिश लैंग्वेज एक देवी दे समान है जबकि अफसोस की गल है कि असीं अज भी सानूं पता ही है कि असीं देवी देवता किन्हां नूं मानदे हां। सो उन्होंने
अंग्रेजी जी भाषा हैगी एक देवी का रूप दे के अपनी कवितावान सत्कारिया और एजुकेशन के नाल नाल जी महिला होर बहुत सारिया समाजिक कुरीतियाँ जिमें कि आप जानते ही हैं बाल विवाह सती प्रथा यहोजी कुरीतियां वो दिलों महसूस करते सन और उन्होंने लिए उन्होंने बहुत तगड़ा संघर्ष किया। बाल विवाह रोकण के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया और इतों तक कि जो लड़कियां विधवा हो जाए सन उन्होंने लिए उन्होंने आश्रम घर बनाया। विधवा जे गर्भवती हो गई तो बाल हत्या प्रबंधक गृह तक बनाए ताकि वह उत्थे सेफ अपनी डिलीवरी कर सकन करवा सकन। सो उन्होंने जोड़ा योगदान बहुत ज़्यादा हैगा। सती प्रथा जिमें कि असी सुनते हैं कि सती हो जाएंगे से सोच के देखो कितना मुश्किल होएगा एक औरत के लिए जिंदा जला देना। उन्होंने लिए भी उन्होंने बहुत संघर्ष किया और महिलावां नूं जो जिस तरह उन्होंने घर बनाए उन्होंने एजुकेशन के लिए मोटिवेट करन दे लिए वो घर घर जाके मोटिवेट करते सन वजीफा तक लगवाया उन्होंने। सो उन्होंने जोड़ा सोचण का जो नज़रिया से बहुत वड्डा सीगा। जिमें सर ने कहा कि ज्योतिराव फूले जी तो उन्होंने ही अपनी तलवार समझते सन सारा श्रेय वो माता जी सावित्री बाई फूले जी को देके गए। इसलिए सानू उन्हां दी जिहड़ी एजुकेशन जां उन्हां दे जिहड़ी विचारधारा है तो बहुत सोच लैनी बनती हैगी है सानू। तो वह कवित्री सन उन्होंने भाषण बकायदा एक बुक लिखी गई है कि उन्होंने भाषण दिते कि सानू नशे के खिलाफ उन्होंने मोटिवेट किया और इस तरह उन्होंने उद्योग की गल की कि देखो किवें जिहड़े यूरोप के देश ने किन्नी तरक्की कर गए हैं। उस वक्त उन्होंने इस तरह मोटिवेट करते से अपने आस पास जिन्हें भी साथी सन कि यूरोप तो सानू सेध लेनी चाहिए है रूढ़ीवादी सोच का सानू छुटकारा उस तो पाना चाहिए है। सो मैं थोड़ा जहा परेशान हाँ डॉक्टर साहब ठीक नहीं सके तो मैं अपनी गल इतें खत्म कर दी हाँ। बस मैं यही कहूँगी कि सानू वध तो वध अपनी जी रिस्पोंसिबिलिटी सोचनी चाहिए है मननी चाहिए है कि एक औरत हो के उन्होंने 19वीं सदी इन्ना काम किया तो अज असं 21वीं सदी चाह तो सानू साडा की रोल है साडी की जिम्मेवारी है ये बारे सोच के वध तो वध सानू समाज में विचरना चाहिए और उन्हां तो सेध लेंदे हुए वध तो वध अपने समाज में उपर चुकन के लिए एकजुट होना चाहिए। थैंक यू। जय भीम जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दीप वाला जी। समाज में अगाह वधू सोच ते पहरा देने वाले समाज सेवका ते निधड़क वाल अमीर उलका जी को बेनती करता कि वो डाइस दिते आउण और अपने विचार जिहड़े आ साडे नाल सांझे करन। माता सावित्री बाई फूले जी का जन्मदिन मना रहे प्रबुद्ध भारत की पूरी टीम का मैं सब तो पहला तो बहुत धन्यवाद करती हाँ जो समय समय से अपने बहुजन रहबरां के जन्मदिन मना के इस मूवमेंट नूं अगे तोर रहे हैं। क्रांति जोत माता सावित्री बाई फूले जी जिन्हों का जन्म 3 जनवरी नूं होया और उन्होंने जो पति सन महात्मा ज्योतिराव फूले जी उन्होंने जो समाजिक क्रांति लियांदी ओदी बदौलत ही अज असी सारे जने खास करके औरतों लई उन्होंने जो क्रांति लियांदी अज उसे बदौलत असी सारियां औरतां खास करके अज इस मुकाम तक पहुंचियां कि अज सानू कोई भी किते भी जाइए कोई रोक टोक नहीं असी कुछ भी करिए कोई रोक नहीं सानू जिथे उस औरत नूं घरों तक निकल तक की आजादी नहीं सी ते अज वो औरत हर मुकाम तक पहुँच चुकी है। समाजिक क्रांति के पितामा
महात्मा ज्योति राम फूले जी ने अपनी पत्नी माता सवित्री बाई फूले जी नू आप पढ़ाया ते इस मुकाम तक पहुँचाया कि वह भारत के पहले महिला टीचर बने। पहले महिला टीचर ही नहीं, वह पहले महिला स्टूडेंट भी रहे हैं। उन्होंने बहुत सारे अपमान सह के औरतों नू पढ़ाना शुरू किया। उन्होंने लगभग 18 स्कूल तो भी वध स्कूल खोले औरतों लई, ते उत्थे कोई जात कोई धर्म जां किसी तरह का कोई वितकरा नहीं सी कीता जांदा। किसी भी जात किसी भी धर्म की औरत उन्हां कोल आके पढ़ सकती सी। ते उन्होंने इन्ना ज़्यादा संघर्ष किया कि उन्हां नू इन्ने अपमान सहने पए जो अज असी सोचिए तो बहुत मुश्किल लगता सानू। जदों वो घरों निकलते सी तां अपने कोल एक साड़ी जिहड़ी वो एक्सट्रा लैके जांदे सी, क्योंकि उदों औरत नू घरों निकल की आजादी तां की। जदों वो जांदे सी तां उन्हां दे उपर कीचड़ सुट्टिया जांदा सी, गोहा सुट्टिया जांदा सी, पर उन्होंने इन्हां चीज़ों तो उपर उठ के इस चीज़ की परवाह ना किते बिना उन्होंने अपना जिहड़ा संघर्ष सी वो जारी रखिया। महात्मा ज्योति राम फूले जी नू यह भी कह दिता गया सी कि जे तुसी ए चीज़ नू नहीं बंद करना तो तुसी इस घर नू छड्ड दिओ। तो उन्होंने ये रास्ता अपनाया सी कि मैनू घर छड्डना मंजूर है, पर मैं जिस रास्ते ते चलिया मैं उस रास्ते तो पिछे नहीं हटांगा। तो अज महात्मा ज्योति राम फूले जी और माता सवित्री बाई फूले जी की बदौलत ही अज औरतां इत्थों तक तरक्की कर सकियां। तो इसे उन्हां दी सोच नूं अगे वधाया डॉक्टर अंबेडकर जी ने, जिन्हां ने संविधान दे विच सानूं वो सारे हक अधिकार लै दित्ते जिन्हां दे करके अज असीं कुछ भी कर सकते हाँ। सानूं कोई भी किसी तरह की भी कोई रोक टोक नहीं हैगी। औरत और मर्द का फर्क जिहड़ा सी उह संविधान दे विच बिल्कुल मिटा दिता गया। मैं तां इह कहूंगी कि संविधान दे विच मर्द नालों भी वध औरतां नूं अधिकार आ, क्योंकि जिथे एक मर्द इलैक्शन लड़दा आ तां उहदे बराबर औरत किते भी इलैक्शन लड़ सकदी आ, पर जे किते रिजर्व सीट दे उपर कोई भी औरत खड़ी है ते उत्थे मर्द इलैक्शन नहीं लड़ सकदा। इतों साफ है कि औरतों नू मर्दा नालों वध अधिकार मिले। महात्मा ज्योति राम फूले जी और माता सवित्री बाई फूले जी की सोच नू अगे वधा के एक सानू लिखती रूप दे विच वो सारिया चीज़ां डॉक्टर अंबेडकर जी ने दे दित्तियां। माता सवित्री बाई साढ़े बहुत ही सत्कारयोग पत्रकार प्रदीप राजा जी, निर्मल गुड़ा जी, ये हमेशा ही साडा जिहड़ा साथ दिंदे ने, साडी कवरेज नू इह लोकां तक पहुँचाउंदे ने, साडे कीते होए उपरालियां नू देश विदेशां दे विच पहुँचाउंदे ने। तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद सर। हुण मैं बेनती करांगा डॉक्टर सुभाष जी नू कि ओह डाइस दे उपर आउण। जय भीम सारिआं नू मेरी वल्लों। पहलां तां सब तों मेरे वल्लों सारिआं नू नवें साल दीआं भीमां कारिगों शौर्य दिवस ते माता सवित्री फूले जी दे जन्म दिन ते सब नू मुबारकां। भीमा कोरीगांव बारे मैं एक दो मिनट थोड़ा दसना चाहता हिस्टरी की सी। ये गल 1679 1679 मैं कहा 1699 सिख पंथ की जी साजना हुई थी गुरु गोबिंद सिंह जी ने की सी, और उस तो भी तकरीबन 20 साल पहला की गल है। एक सी महाराज संभाजी, वो महाराष्ट्र से पुणे के कोल, उत्थे राज सी उन्हां दा, ते पेशवा जिहड़े सी उन्होंने उन्हां दा कतल करता, और कतल करके जिहड़ी कोरेगांव दे कोल भीमा नदी सी उहदे विच सुट दित्ता, ते कहा कि इह इहनां नूं किसे ने संस्कार नहीं करना इहनां दा, नहीं तां फिर उहदा मतलब बुरा हासिल होगा। ते इक सीगा गणपत पहलवान, उहने ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸੰਭਾਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਂ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੀ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਤਾ। ਔਰ ਪੇਸ਼ਵਾ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਲੱਗੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
गणपत पहलवान का सिर कलम करके और लोगों में यह प्रचार करता कि इनू धर्म के अनुसार यदि सज़ा मतलब गॉड ने देती इनू सज़ा। तो उस तो बाद भी जे वह कहते जे इदा की कोई हरकत पेशवा कहते करूँगा तो उन्हों का बुरा हशर होएगा। तो पेशवा ने कानून बनाता कि मूँह मूहरे पुजा पिछ पिछे झाड़ू बन दिता महाराणी जिन्होंने मतलब जिन्हों का राज चलता सी और काफ़ी साल वह इस तरह परंपरा चलती रही और हूँ साढ़े बच्चों भी पता होना चाहिए सानू भी और मूँह मूहरे कुजा के झाड़ू इन्हों के पिछे बनया से बनने वाले कौन सी। और फिर यह तकरीबन 100 साल के नेड़े 100 साल तो भी उपर यह कम इस तरह ही जिहड़ी सी वह चलती रही। फिर अंग्रेज आ गया, अंग्रेज जदों आए उन्होंने पूरे भारत से तकरीबन कब्जा कर लिया सी तो पर यह जो पेशवा वाल तो उन्होंने जितना बड़ा मुश्किल सगा। उन्होंने जो उ कब्जा करने की कोशिश की तो जोड़े महार सी उन्होंने से एक सागनाथ जोड़ा सेनापति सगा महारा का उन्होंने तक पहुँच की कि तुम साड़ी मदद करो असी मतलब थानू जी हैगी जोड़ा आजादी लैके देंगे। पर सागनाथ जोड़ा सेनापति वह पेशवावान को गया कि सानू अंग्रेजा वालों ये ऑफर आँदी है पर असी अंग्रेजा नाल नहीं लड़ना चाहते असी थोड़े वालों अंग्रेजा नाल लड़के मतलब असी चाहते हाँ भी अंग्रेज इतने ना आ। पर जोड़े पेशवा से वह कहते असी थानू सूई के नक्के जिनी आजादी भी देने तैयार नहीं है तो तुम की किस तरह की गल करते हैं तुम तो साढ़े गुलाम सगे रहना है तुम आजादी के हकदार नहीं है। तो फिर सागनाथ जोड़ा सेनापति से वह कहता फिर असी थानू सबक सिखावे और 500 महारा की फौज तैयार हुई और देख लो जनवरी कि ठंड होंगी है अज भी सूँ इतने बैठे ठंड लगती है और उन्होंने दिन रात लड़ाई करके 500 महारा ने लड़ाई करके 28,000 पेशवावान गाजर मूलियां की तरह कट्टिया और अपने मूँह मोहरों कुजा के पिट पिछों झाड़ू लहाया। ये उन्होंने आजादी की लड़ाई सी और इस तो फिर यह 1818 1 जनवरी 1818 की गल है। इस तो एक साल बाद बाबा साहब डॉक्टर भीम राव अंबेडकर उत्थे गए उन्होंने हिस्ट्री उन्होंने सर्च की और उन्होंने प्रतीक जो बनाया ये रही है तो उत्थे उन्होंने हर साल जाते होंगे सी। सानू अपने महापुरशां दी इतिहास पता होना चाहिए ता ही यह जो साड़ी गुलामी रूप चेंज करती रहती है। इदा नहीं है कि भी जे आजादी मिल गई तो आजादी हमेशा नहीं रहनी है, आजादी गुलामी यह साइकिल चलता ही रहता। सानू पता होना चाहिए भी हुण साडे ते असी गुलाम कदों हो गए हैं की आ। पहली गल तो साड़ी मानसिक गुलामी जी दूर होनी चाहिए आ। असी बहुत थोड़े समय से आह नोट्स दे के असी सैलीब्रेट कर रहे हैं पर कई साढ़े जोड़े इतने आने वाले से कोई जठेरे तो कोई डेरे वो बिजी आ नहीं आ सके उन्होंने उस इतिहास नहीं जानना चाहते जा कह लो जो मतलब माइंड सैट इदा का कर दिता गया कि वह इदा दी गलों तरजीह नहीं देंगे। दूसरा माता सावित्री बाई फूले जी के जन्मदिन 3 जनवरी में जो असी मनाने ये औरत अजे लगती है भी औरत आजाद हो गए हैं हजे बहुत कुछ करने वाला औरत ही कर सकती है जो डेरे जठेरे सब औरत ही पहले पहला जाए तो बंद बच्चों भी कल्चर उ कल्चर लेडीज जीडिया अपनी फैमिली जिदा देना उदा की फैमिली बनती है। 300 BC के बीच एक लेडी हुई सी एग्नोडाइस उदों औरतों पढ़न की मतलब आजादी नहीं सी और खास करके जो मेडिसन ग्रीस की सी मेडिसन पढ़ने की तो आजादी है ही नहीं सी। एक लेडी ने अपने कटिंग करा के बंदा वांगू बन के ना वो मेडिसन की स्टडी कर लग गई और उदों तो डॉक्टर नहीं सी होंदे जो हेल्थ वर्कर होंदे सी वो ही एज डॉक्टरी होंदे सी। तो जो अपनी क्लास लाने जाती है नेड़े एक पौड़िया के कोल एक लेडी उन्हों डिलीवरी वाली दर्दा लग गई तो वह करा रही थी तो वह जी एग्नोडाइस जो हेल्थ वर्कर थी वो कोल गई पर जिन्हों लेडी पेनज लगियां सी बच्चा होने वाला सी वो कहती नहीं तू
मतलब पुरश हैगा मैं तेरे तो अपना तू मैं हाथ ना लाई भी मैं तेरे को केस नहीं करवाना और रेगनोडाइज लेडी जी उन्हें फिर आप प्रूव किया नहीं मैं लेडी हाँ तू डरना घबरा ना मैं तेरी हेल्प करूँगी बच्चा पैदा करने के चलो उन्होंने पता लग गया भी यह भी लेडी है कोई गल नहीं उन्हें वो हेल्प की डिलीवरी के उस तो बाद रौला पै गया भी ये जी बंदा बन के जरा ट्रीट करती लेडीज़ में भी लेडी है कोई गल नहीं बहुत सारिया लेडीज़ ने अपने केस उत्तों कराने शुरू कराते तो जज की वाइफ से उन्हें भी मतलब अपनी डिलीवरी उत्तों कराई जो थोड़ा रौला पै गया भी ये तो बंदा है वह फिर उन्होंने जिदा दिया कोर्ट से उदा के फैसले होने से जिदा वह कहें भी इनू फांसी की सज़ा दी जाए जी इन्हें गलत काम किया हैगी लेडी से बंदा बन के इन्हें कोशिश की कर दी पर जज की वाइफ कहती नहीं कहती ये साडा इन्हें भला किया असं इन फांसी नहीं होने देनी औरत दे नाल जो औरत खड़ जाती फिर वो माफ हो गई वो जो सज़ा दी गई थी जज वालों तो वह उदों की गल है कि उदों भी औरतों को नहीं पढ़ दिता जाता सी तो अज देख लो भी तुम ये कदों की गल है हो गया 2500 साल हो गया इस गल तकरीबन और माता सवित्री बाई फूले जी ने भी उही काम आके किया जिहड़ा कि इन्ने सालों तो रुकिया पिया सी और जो असी चेंज चाहते हाँ ये मैं तो सोचता भी साड़ियाँ लेडीज़ जे जो असी चाहते हैं जो करोंगे ता ही वो होना नहीं तो मुश्किल है और सानू भी ये 50-50 का असी पार्टनरशिप साड़ी हुंदी है हसबैंड वाइफ की मैं कहना पर कई बार कई किसी 49 भी होना पैंता कई बार किसी 51 भी होना पैंता 49-52 की हैगी पर हर वेले 49-52 भी नहीं चाहिए और 50-50 है तो काफ़ी बैलेंस बनया रहा ठीक है इस करके असी रल मिल के जे अपने महापुरशों के विचार जोड़े आझे करिए और उन्होंने जो जिस तरह का उन्होंने सोचा भारत को बनाना अपने महापुरशों के विचार घर घर तक पहुँचाइए और वो तो वो कोशिश करिए असी सॉरी भी फील करते हैं कि साडा बैठने का इतने थोड़ा चिलिंग भी है ठंडा है हौली हौली बन जाएगा हजे तक एक साल ही होया आप वधिया तरीके कोशिश करेंगे आप बैठ के विचार साझे कराया करिए भी भरिया हो सारा है ना आप कोशिश करेंगे घर घर तक महापुरशों के विचार पाने एक गल होर महात्मा ज्योतिराव फूले तो सवित्री बाई फूले एक जो बेड़ा सी ना जसवंत उन्होंने बहुत वधिया तरीके पढ़ाया सी तो डॉक्टर भी बनया सी पर जदों महात्मा ज्योतिराव फूले की डैथ होने लगी ना तो उन्होंने वसीयत विच ये लिखा सी कि जे मेरा बेटा मेरे मिशन नूं अगे मेरी सोच नूं अगे नहीं लिजाऊगा तो यह मेरी कोई प्रॉपर्टी दा कोई हक नहीं होएगा अज कोई इदा कर सकता ये साडे दिमाग गल होनी चाहिए भी वह महापुरश ता बने महापुरश क्योंकि उन्होंने विचार इदा दे सके अभी तो कहते साड़ी पंजी साडे बच्चों को चले जाए मिशन भावें जिधर मरी जाए ठीक है इस करके सानू सोच उन्होंने महापुरशों की विचारधारा जी उन्होंने प्रैक्टिकली भी करना आना चाहिए ता ही असं कुछ कर सकते हैं थैंक यू जय जय भारत मैं हूँ बेनती कर तो मैं बेनती करता विक्की बहादुर के वो गाइस दे और अपनी जड़े नजम च गीत है वो पेश कर विक्की बहादुर हर वार की तरह बहुजन महापुरखों के जन्मदिन और प्रीनिर्वाण दिवस मनाने अपना बड़मुला योगदान पा रहे प्रबुद्ध पाक फाउंडेशन टीम सारे सत्कार सहित जय भीम जय भारत माता सवित्री बाई फूले जिन्हें अज आप जन्मदिन मना रहे हैं कोई गम नहीं कोई अफसोस नहीं कि आप घट लोग क्योंकि क्रांति करने वाले लोगों की भीड़ नहीं होंगी तो भीड़ के क्रांति करने वाले लोग नहीं होंगे मैं पांडवी साइड गया सी पांडवा और घोड़का एक टी पॉइंट आता
सेम अडिटो ऐसी शैड पिया हुआ क्रिश्चन अपना प्रचार कर रहे हैं वो सेम लोग इन्ने की सी कोई हजार नहीं सी कोई सौ नहीं सी मेरे ख्याल 45 तो 50 जने सी पर अपना काम निरंतर कर रहे हैं तो जोड़े लोग निरंतर अपना काम करते होंगे उन्होंने बोर लग जाता है। अज तो आप बहुत फिर भी बहुत गिनती हाँ पर जिस महान महापुरुष की अज आप दिन मना रहे हैं वो तो इकली सी बिल्कुल सिस्टम के खिलाफ भी लड़ रही थी तो अपने परिवार के नाल भी वो लड़ रही थी तो जो लड़ी तो जित भी प्राप्त की तो अज उस माता को याद करते हुए आप बहुत ही सत्कार जो जनाब सैदल साहब की कलम उन्होंने बंध और तो दावा साहब तो मैं बेनती करके एक माता के लिए स्पैशल एक चीज़ लिखवाई सी तो मैं आप सब की चोली पाऊँगा और मैं आस है कि तुम हर बार की तरह प्यार भी दोगे इनू पसंद भी करोगे की लिखा जरा गौर करो सवित्री बाई फूले मां ऐसी जिस मान वधाया औरत दा सवित्री बाई फूले मां ऐसी जिस मान वधाया औरत दा ओ बिन विद्या को पहनेरा सी उस राह रुशनाया औरत दा भारत दी पहली टीचर सी जिस ना चमकाया औरत दा वो एक औरत शूतर होके भी बन गई सरमाया औरत दा बन गई सरमाया औरत दा सवित्री फूले फूले कीती विद्या दिलो सवित्री फूले फूले कीती विद्या दिलो पहली टीचर टीचर सी भारत देश दियो पहली टीचर टीचर सी भारत देश दियो सवित्री फूले फूले कीती विद्या दिलो पहली टीचर टीचर सी भारत देश दियो ओ घर विच एक जी पड़ जावे रंगत सब ते चढ़ जावे घर विच एक जी पड़ जावे रौनक सब ते चढ़ जावे अपने पैरी खड़ जावे जुड़के टुटदा नी मोह पहली टीचर टीचर सी भारत देश दियो सवित्री फूले फूले कीती विद्या दिलो पहली टीचर टीचर सी भारत देश दियो ओ गंगा ज्ञान दी बगदी जोत क्रांति दी जगदी गंगा ज्ञान दी बगदी जोत क्रांति दी जगदी ओ सूरत सच दी लगदी गई झूठ नू तो पहली टीचर टीचर सी भारत देश दियो सवित्री फूले फूले कीती विद्या दिलो ओ मान फूले दा बधा के गईओ फर्ज निभा के मान फूले दा बधा के गईओ फर्ज निभा के परा मारिया बधा के अगे अड़िया सी जो पहली टीचर टीचर सी भारत देश दियो सवित्री फूले फूले जी कीती विद्या दिलो पहली टीचर टीचर सी भारत देश दियो ओ रत्तू करे परनाम झुक झुक के सलाम रत्तू करे परनाम झुक चुक के सलाम किन्नी मासी महान कितों लिए हुन तो पहली टीचर टीचर सी भारत देश दियो सवित्री फूले फूले कीती विद्या दिलो पहली टीचर
टीचर सी पार्थ देश दियो सवित्री फूले फूले किती विद्या दिलो। सुभाष बहुत धन्यवाद। साढ़े पिछे जिते इस दुआबे के डॉक्टर बैठे उ मैं बड़ी खुशी है डॉक्टर तीर्थ बाला जी अमलोह तो, क्योंकि मैं जो तो प्रबुद्ध भारत फाउंडेशन ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब के जीवन के जो तो आप पेपर की किताबा देन गए सी तो मैं बड़ा मैं खुशी महसूस हुई कि डॉक्टर साहब ऑपरेशन कर रहे थे तो इन्हों की वेटिंग दे वो जी मर्जी जात दे जेड़े साडा परछावा नहीं लड़ना चाहते जी मर्जी जात दे जेडे बाबा साहब अंबेडकर तो पहला कहते सी पैर की जुत्ती है। बाबा साहब ने ऐसी कलम चलाई कि डॉक्टर तीर्थ बाला की वो वेट कर रहे थे। अज वो लोग साड़ी वेट कर दिए कृपा कर दी है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब की महात्मा ज्योतिराव फूले माता सावित्रीबाई फूले की कृपा है और अपना फर्ज बनता कि आप आपे बैक टू सोसाइटी लिए काम करिए। और मैं खुशी होंगी कि प्रबुद्ध भारत फाउंडेशन हमेशा की तरह मैंने जो मान ये प्यार ये मुहब्बत देंगे। धन्यवाद है तुहाडा जदों भी जिते भी जिदा की भी तुम हमेशा मेरी लाइफ को सेवा लाओगे आप हमेशा तैयार रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम जय भारत जी। साढ़े स्पेन तो जर्नलिस्ट श्री जगतार जी वो भी पहुंचे ने धन्यवाद सर। और प्रबुद्ध भारत की टीम को मैं बेनती करता कि वह स्टेज पर आके उन्होंने जो सम्मान है वो करेगा। डॉक्टर सुभाष जी डॉक्टर साहब अजय सोम सहजल जी फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। मेरा एक मैं सुभाग है कि मैं स्पेन तो हजे कल शामी मतलब इतने आया तो जगदीश भाजी उन्होंने तो जुड़िया सूँ तकरीबन नाइन्थ टेंथ क्लास तो ही जो भाजी उन्होंने जुड़े हुए हैं कि लैजन बैठे है मेरे सामने सारे तुम रिस्पैक्टड हो मेरे तो ज़्यादा मैं बुलारा तो नहीं है ना अच्छा लिखण लुखण के मामले असं थोड़ा जहा लिख लीजा फेसबुक पर या होर सोशल मीडिया से सू देखते रहते हैं तो साढ़े मीडिया के मतलब साढ़े उस्ताद निर्मल गुड़ा जी भी बैठे ने थैंक यू जी राजा जी। तो बहुत अच्छा लगा कि वो धरती भारत की वो धरती जितों साढ़े गौतम बुद्ध जी ने एक वो लाइट जी पूरी दुनिया के अज जो तरक्की कर रहे हैं जेडे मुल्क तरक्की कर रहे उन्होंने जो स्पेन की असं गल करते स्पेन की तो घर घर के जाके देखते हैं कि गौतम बुद्ध जी की स्टैचू लगा है तो उन्होंने सवाल अक्सर मैं करता हूँ कि इंडिया कितने और स्पेन कितने स्टैचू का की इंपोर्टेंस की है तुम क्यों लाया है जो उन्होंने पता लगता कि तुम इंडिया तो हो तो वो इन्नी क रिस्पैक्ट और इन्ना क पीस और इन्नी क्या स्ट्रगल जो इन्हों की थ्यूरी आ जो सिद्धांत आ उन्होंने मानते हैं मानते ही नहीं उन्होंने कंट्रिया ने लागू किया है कि वह चाहे बाणी के रहबर का अंदोलन है जिते गुरु रविदास पातशाह साढ़े गल करते बेगमपुरा और उन्होंने कंट्रिया ने वह बेगमपुरा बसाया है कदे भी मौका मिलया तो उन्होंने कंट्रिया जाके देखियो कि साढ़े मतलब हक हकूक जेड़े आ उन्होंने इन्ने क सेफ आ कि प्रियोरिटी देंगे इंसान ने कि जदों इंडिया वाल देखी तो देखने तो बहुत कुछ है बहुत सोहना हर चीज़ सोर्स साढ़े को अवेलेबल आ बट जो सिस्टम है तो पता नहीं जाता साड़ियाँ गलतियाँ आ जा सानू संविधान मिलने के बावजूद भी असी उस सिद्धांत को ना तो अडोप्ट कर सके तो ना वो चल सके पर जो आ प्रोग्राम इदा दे देखी दे आ सुनी दे आ तो मन च खुशी होंगी है कि अज नहीं तो कल कि ये जो टाइम है आना ही आना है और जिन्ना भी असी योगदान पा सकी तो असी पावे कोशिश है विदेश बैठे भी जो आ प्रोग्राम देखी तो सा मतलब प्राउड फील करीदा कि नहीं ये लोग जेडे आ साढ़े कि बुद्धिजीवी लोग जिन्हों पता है जिंदगी का
मनोरथ पता है, अपने रैबरां दा संघर्ष पता है, उस संघर्ष नूं किसे मुकाम किसे मंजिल ते लिजाण लई जो कोशिश आ और वो जारी आ। और ये छोटी ना समझो, तुसी छोटी भी कोशिश करते हैं, गैदरिंग वड्डी आ छोटी आ नथिंग इंपोर्टेंस, इंपोर्टेंस ये है कि तुसी उस अंदोलन उस मिशन का हिस्सा हो और उस मिशन से चलन वाले हो। कदे भी जिंदगी च ये नहीं सोचना कि कल्ले हाँ, कि गौतम बुद्ध जी भी कल्ले ही तुरे सी, बाबा साहब जी भी कल्ले ही तुरे सी, सवित्री बाई फूले जी जिन्हां दा अज प्रोग्राम मना रहे हैं अपने हसबेंड दे नाल कल्ले ही तुरे सी। ते अज जो मुकाम साडियां भैणां दा धीआं दा जो मुकाम आ, ये उन्हां दी इंस्पिरेशन से आ, प्रेरणा आ। और इस प्रेरणा तो लैके अगे भी वधिया, मैं ज़्यादा बोल रहा ना क्योंकि गला खराब है, मौसम का थोड़ा जिहा असर है मेरे ते। थैंक यू, मेरा आउंदिया ही तुसी मान सम्मान, मैं इस लायक नहीं हैगा कि तुसी एक छोटे जे बच्चे नूं अपना प्यार सत्कार दिता है। लॉट्स ऑफ थैंक्स, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद जगतार जी, हम मैं बेनती करता कि डॉक्टर रजिंदर सिंह जी नूं कि वो स्टेज पर आन और अपने विचार साझे कर, ते आए हुए साथियों का धन्यवाद भी कर। डॉक्टर रजिंदर सिंह जी। सारे साथियों नूं जय भीम, जय भारत। महात्मा ज्योतिबा फुले दी जीवन साथी, जीवन साथी क्रांति दी जोत माता सवित्री बाई फुले जी, उन्होंने जन्मदिन दिया तो सारे नूं बहुत बहुत मुबारक। उन्होंने एहोजे लैजेंड्स के नाल उन्होंने नाम जुड़िया होया, और माता जी दे माता सवित्री बाई फुले जी दे दा जीवन संघर्ष इस तरीके का है कि वह आप भी लैजेंड्स की लाइफ दे विच उन्होंने नाम जिहड़ा वो शामिल हो गया है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के गुरु माता भी ने, वह महात्मा ज्योतिबा फुले बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के गुरु ने। अज साडा जिहड़ा शौर्य दिवस है, भीमा कोरेगांव शौर्य दिवस, उहदे भी तुहानूं बहुत बहुत मुबारक, नवें साल दियां भी बहुत बहुत मुबारक। जिस तरह सहर साहब जी होणा ने भी पहलां दस्सिया कि आ धर्म मंडल दे बानी मोढ़ी बाबू मंगू राम मुकोवालिया जी, उन्होंने जन्मदिन दिया भी तुहानूं बहुत बहुत मुबारक। माता सवित्री बाई फुले जी का जिहड़ा जीवन संघर्ष है, असीं अज कोशिश कीती सी कि साडे भैणां लेडीज़ इस प्रोग्राम दे विच ज़्यादा शमूलियत करन, पर शायद ठंड दे करके जां कुछ होर प्रोग्राम इन्हां दिनां ज़्यादा हुंदे आ, ज़्यादा गैदरिंग आपां नहीं कर सके। माता सवित्री बाई फुले जी का जिहड़ा जीवन संघर्ष है वो अपने आप दे विच बहुत वड्डी प्रेरणा है, औरत वास्ते, मर्द वास्ते, बच्चे वास्ते, विद्यार्थी वास्ते, सिख्यार्थी वास्ते, हर उस व्यक्ति वास्ते माता सवित्री बाई फुले का जीवन एक प्रेरणा स्रोत है, जिहड़ा एक बड़ा लक्ष्य लैके समाजिक परिवर्तन की जिहड़ी लहर है, समाजिक परिवर्तन की जिहड़ी विचारधारा है, उन्हें लैके जिहड़ा भी व्यक्ति काम कर रहा, माता सवित्री बाई फुले जी का जीवन उस व्यक्ति वास्ते एक प्रेरणा स्रोत है। इन्हों के जीवन तो आप गल्लां सीख सकते हैं माता सवित्री बाई फुले जी का जीवन, जिदा दसिया कि जो उन्होंने विआह होया तो औरतों पढ़ने का अधिकार तो है नहीं सी, माता सवित्री बाई फुले भी अनपढ़ सी, फुले साहब पढ़े हुए सी ज्योतिबा फुले साहब, तो उन्होंने सब तो पहला कहते ना भी जिहड़ा एक महान आदमी हुंदा जिहड़ी परिवर्तन उस समाज के लियाउण की कोशिश करना चाहुंदा हुंदा उह सब तो पहला अपने आप तो अपने घर तो शुरुआत कर। तो महात्मा ज्योतिबा फुले ने सब तो पहला अपने घर तो अपने जीवन साथन तो यह गल की शुरुआत की कि जो देश की औरत को पढ़ाना तो घर कम से कम सब तो पहली जी चीज़ है मैं अपने घर तो शुरू करा, मैं अपनी पत्नी को पढ़ाना शुरू करा। तो उन्होंने सब तो पहला अपनी पत्नी को पढ़ाया, 5 साल तक वो लगातार उन्होंने पढ़ाते रहे। उस तो बाद जो उन्होंने पढ़ना आ गया, वो पढ़न भी लग पाए, लिखन भी लग पाए, अच्छी किताबा पढ़न भी पढ़निया शुरू कर दतिया। फिर उन्होंने टीचर ट्रेनिंग का जो प्रोग्राम से माता जी को पा दिता, अंग्रेज जोड़े ब्रिटिश मिशनरी स्कूल से उन्होंने पा दिता,
उत्थे उन्होंने पढ़िया। उस तो बाद माता जी इन्ने ज़्यादा इंटैलीजेंट सन कि उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने तो बाद उन्होंने अपने विचार जोड़े आने पति की तरह ही व्यक्त करने शुरू कर दते। तो कह का पहला जोड़ा सूँ इन्ह महापुरशों की जी जीवन है संघर्ष है वो तो सीख की जी गल है कि जी चेंज तुम अपने आले दुआले लिया चाहते हैं समाज के अंदर वो चेंज पहला अपने आप के अपने घर तो शुरुआत करो। इस स्नेहा यह सीख की सू गल मिलती है। दूसरी गल जी माता सावित्री बाई फूले जी के जीवन संघर्ष तो सूँ सीख मिलती है कि जदों उन्होंने तहैया किया कि हम जिस तरह मैं पढ़ी हाँ मैं होर औरतों बच्चों पढ़ाने का जोड़ा कार्य है उन संभाला। तो जिदन पहली बार स्कूल जोड़ा किराए की बिल्डिंग के एक स्कूल उन्होंने शुरू किया दो चार बच्चिया उत्थे होने लगियां सी पहले दिन जिदन वो गए सीगे तो जड़े औरतों की एजुकेशन के अगेंस्ट जोड़ा प्रभुत्व समाज सेगा उस समय का स्वर्ण समाज जोड़ा सेगा उहदे वल्लों गोहा सुटिया गया कीचड़ सुटिया गया गालां कढ़ियां गईयां शायद पत्थर भी मारे गए तो वह डर के घर वापस आ गए। ज्योतिबा फुले ने पूछा भी तुम क्यों आ गए तो उन्होंने कहा कि इस तरह होया मेरे नाल हस के कहते भी ये तो हजे शुरुआत है जो इस रस्ते तुरना तो ये तो भी शायद इदा दी भी तुम मुश्किलों का सामना करना पवेगा शायद जिन्हों स्थितियों के जान भी जा सकती है। मेरी सवित्री जे यह जहा दृढ़ इरादा तेरे अंदर हैगा तो इस काम को हाथ पाई जो नहीं हैगा इस काम से लगे ये सोचो बी जिथे औकड़ा अजिहियां हो उस राह के उत्ते तुरे रहना दृढ़ता दे नाल यह भी सानू एक सीखने की जी गल है माता सावित्री बाई फूले तो मिलती है कि जे तुहानू लगता कि तुहाडा लक्ष्य है तुहाडा निशाना जिहड़ा है वह पवित्र है मानवता का भला करने वाला है तो उस रस्ते ते फिर जिहड़ियां भी औकड़ां तुहाडे रस्ते च आउणियां उन्हां औकड़ां नूं पार करते हुए लगातार उहदे उत्ते काम करते रहो। यह दूसरी चीज़ सानू जिहड़ी सीखण नूं मिलदी है। तीसरी चीज़ कि तुहाडे उत्ते किसी ने गोहा सुट्टिया कीचड़ सुट्टिया गालां कढ़ियां पत्थर मारे इमेजिन करो अपने आप में उस पोजिशन के रख के देखो सारे जने तो साडे मन के भाव किहोजे बनने आ मेरे ते को पत्थर मारे गाल कढ़े मैनू मेरे मन च की होना कि मैं रिएक्ट करा रिटेलीएट करा कि मैं भी वो पत्थर चक्के उहदे मार दिया। पर माता सावित्री बाई फूले ने यह नहीं किया। फिर उत्थे तथागत गौतम बुद्ध की विचारधारा जिहड़ी है उहदा कि तुसीं जिस रस्ते ते तुरे जा रहे हो उस रस्ते दे उत्ते उस रस्ते तो भटकाने लिए तुहाडे उत्ते धरना तुहाडा लक्ष्य है उन्हों उस लक्ष्य तो भटकाने लिए जिहड़ियां भी ताकतां काम कर रही हैं जेकर तुसीं उन्हां ताकतां दे नाल उलझ पए उन्हां दे नाल रिएक्ट करना शुरू कर दिता लड़ाई करना शुरू कर दिता तो फिर जिहड़े लक्ष्य नूं तुसीं प्राप्त करना सी उस लक्ष्य नूं तुसीं नहीं प्राप्त कर। जिस तरह विंस्टन चर्चिल ने कहा होना कि इफ यू स्टार्ट थ्रोइंग स्टोन एट द ईच बार्किंग डॉग यू वोंट बी एबल टू रीच योर डेस्टिनेशन कि जे तुसीं अपने तुरे जाते हुए हर उस कुत्ते दे उत्ते पत्थर भौंकण वाले कुत्ते दे उत्ते पत्थर मारना शुरू कर दो तो तुसीं अपने रस्ते ते कितें पहुँच नहीं पाओगे। तो अपने लक्ष्य की कलैरिटी होना और जिहड़े तुहानूं तुहाडे रस्ते तो भटकाउण वालियां चीज़ां आ उन्हां वल ध्यान ना दिंदे होए अपने काम दे विच निर्विघन अपना काम करदे रहना। माता सावित्री बाई फूले दे जीवन तो सानूं यह भी एक शिक्षा मिलती है कि दृढ़ इरादे नाल अपने लक्ष्य की प्राप्ति लिए लगातार जूझते रहना। चौथी जिहड़ी सिक्ख्या सानूं उन्हां दे जीवन तो मिलती है कि जिस समाज ने उन्हां दा विरोध किया उन्होंने उन्होंने गालां कढ़िया उन्होंने करैक्टर के बारे भी दुष्प्रचार किया तो माता सावित्री बाई फूले जां फूले दंपति के मन के उस समाज के लोगों के प्रति कोई घृणा नहीं आई नफरत नहीं आई उन्होंने कुरीतियों के प्रति नफरत सी उन्होंने व्यक्तिगत तौर के उत्ते उन्होंने प्रति कोई नफरत नहीं आई। उहदी मिसाल कित्थों मिलदी है कि जदों माता सावित्री बाई फूले के कोल एक केस आउंदा
एक विडो का एक ब्राह्मण महिला जी विडो सी विधवा सी वो गर्भवती हो गई तो हम जो योजी गल समाज के आनी है भी एक विडो गर्भवती कि हो गई तो उस परिवार की कि वही बदनामी होनी सी औरत के कोल जी विडो सी विधवा सी एको ही रस्ता बचता सी कि मैं सुसाइड कर लवा मैं आत्महत्या कर लवा ता कि मैं आ जो दुख है ये तो मुक्ति पा लो तो माता सवित्री बाई फूले उस औरत की मदद लिए अगे आई उस ब्राह्मण विधवा औरत की मदद लिए अगे आई कि जो तू प्रैगनेंट हुई है ये तो नैचुरल प्रोसैस है कि तू अपनी मर्जी के नाल किसी के नाल तेरे शरीर संबंध बन गया तू विधवा तू प्रैगनेंट होगी विधि तेरा कोई कसूर नहीं है ना उस बच्चे का कोई कसूर है इन्हें पैदा होना भी आप उस बच उसकी जिम्मेदारी उठाई कि यह बच्चा साड़ी देख रेख के परवरिश हो और उस औरत नूं सहारा दिता कि तेनों मरण की लोड़ नहीं अपना जीवन लीला खत्म करने की लोड़ नहीं असी तेरे नाल है जिस समाज के लोगों ने उस समाज उस माता के उत्ते सवित्री बाई फूले के उत्ते यहोजे अत्याचार किए उस ही समाज की औरत नूं अपना गल लाया उसका सहारा बना माता सवित्री बाई फूले के जीवन तो सानू यह भी सीखा जी मिलती है कि समाज में जोड़न वाले बनिए समाज में तोड़न वाले ना बनिए समाज के नफरत फैलाने वाले ना बनिए समाज में इकट्ठा करने वाले बनिए यहोजी भावना जी समाज के अंदर भरीए कि असी समाज में एक बेहतर लीह ले फिर उस तो बाद होर सीख्या जी महात्मा माता सवित्री बाई फूले के जीवन तो सानू मिलती है जो उन्होंने माँ बाप ने उन्होंने दोहां घरों कढ दिता सी ते ओ फिर एक उन्होंने मुस्लिम दोस्त सी महात्मा ज्योतिबा फुले का उन्होंने घर जाके ठहरे ते ओदे दोस्त की जिहड़ी भैन सी बीबी फातिमा शेख उन्होंने नाम आउंदा विच और ओ भी माता सवित्री बाई फुले दे नाल एज ए टीचर उन्होंने भी पढ़ाया और उन्होंने भी टीचिंग का कोर्स कराया और दोहां लेडीज़ ने मिल के ये जड़ा औरतों की जी पढ़ाई का काम से एजुकेशन का जड़ा विमेन एम्पावरमेंट का जड़ा काम से उन्होंने वड्डे पद्धर तक लैके गई दो मिल के पहले एक स्कूल किराए की बिल्डिंग खोलिया फिर एक दो तीन चार सत्त स्कूल उन्होंने 1848 औरतों की सिक्ख्या वास्ते खोले तो ये भी सिक्ख्या मिलती है कि धर्म तो उपर उठ के जात तो उपर उठ के मजहब तो उपर उठ के समाज में एक लड़ी के परोना यह भी माता सवित्री बाई फूले तो अज साडिया लेडीज जेकर इतने आई होंगे ज़्यादा तादाद तो यह गल् जो सीखने मिलती हैं कि असी कहोजी विचारधारा के वारिस हैं कहोजे महापुरुषों की विचारधारा के असी वारिस हैं ये विचारधारा इस देश में जोड़न वाली विचारधारा है ये विचारधारा इस समाज में मजबूत समाज बनाने वाली विचारधारा है और इन्होंने महापुरुषों की विचारधारा जी है अजिहा समाज सृजन वाली विचारधारा है जिहड़ा समाज प्रबुद्ध समाज अखवाने का दम पर माता सवित्री बाई फूले जी महात्मा ज्योतिबा फूले जी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ये साढ़े सारे उन्होंने महापुरुषों के चरणों के कोटि कोटि नमन जिन्होंने अपना जीवन भर कठिनाइया सहते हुए अजिहे कार्य किए समाज सुधार दे कि अज उन्हां दी आने वाली पीढ़ियां जिहड़ियां ओ मान सम्मान का जीवन जिहड़ियां जी रही और जिंदगी दे विच जिहो जिहा सुपना लैणगे अगे वधेगा उहो जिहा सुपना वो पूरा कर सकदे सानू सारे सुपनियां नूं साकार करन वाला जिहड़ा स्थितियां ते परिस्थितियां दे विच अज सानू लिया के खड़ा कीता साडे महापुरशां ने उन्हां दा बहुत बहुत धन्नवाद गहराइयों तो उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद और इतने ही मैं अपनी गल जी समाप्त करदा सारे साथियों जय भीम जय भारत। हर तरह की खबर सब तो पहला वेखन लई सबसक्राइब करो चैनल काशी टीवी हर अपडेट का संकेत मिलता रहे दबाओ बैल आइकन लाइक करो फेसबुक पेज काशी टीवी।